नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो इस सीवी जॉइंट्स होते हैं उसकी जो बूट है वो यहाँ से कट गई है और उसके बाद से जो ग्रीस होता है अंदर का वो लीक होने लगा है। तो टाइम से पहले पता चल गया, नहीं तो पूरा एक्सल चेंज करना पड़ता। ऑथराइज डीलर ने बोला था कि पूरा एक्सल चेंज किया जाना है, लेकिन हमने इसका सीवी बूट आज आफ्टर मार्केट रिप्लेस करवा लिया है और इसकी लाइफ बिल्कुल वैसी रहेगी जैसे नई सीवी बूट की होती है, एक्सेल की होती है। आइए वीडियो में देखते हैं किस प्रकार से चेंज किया जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक्सेल को रिपेयर कराने के लिए पोचनपुर मार्केट जा रहे हैं। ये साउथ वेस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा कार मार्केट है जहाँ पर कार के सभी पार्ट्स रिपेयर हो सकते हैं और यहाँ पर हर पार्ट के लिए एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है। एक्सेल रिपेयर कराने के लिए हम एक दुकान पर जा रहे हैं जो एक्सेल के लिए एक्सपर्ट हैं। शोकर्स का भी देखते हैं और स्टेयरिंग जो रैक होता है उसको भी रिपेयर करते हैं। उनके पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हाफ़ प्राइस में मिल जाते हैं पार्ट्स। आइए देखते हैं वहाँ पर जाके कि एक्सेल को किस प्रकार से ठीक किया जाता है। सारे काम खुद नहीं कर सकते हैं, कुछ काम हमें एक्सपर्ट्स के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। एएन सस्पेंशन हाउस के नाम से इनकी दुकान है। यहाँ पर ये सभी एक्सेल्स रखे हुए हैं, पुराने और नए। ये शोकर्स हैं, ये स्टेयरिंग रैक है, ये रिपेयर भी करते हैं और नया भी इनके पास मिल जाता है। शोकर्स सभी गाड़ियों के मिल जाएंगे इनके पास। आइए देखते हैं प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है एक्सेल को चेंज करने की, या सीवी जो बूट फट जाता है उसको कैसे हम रिपेयर करेंगे। ये रिट्स कार का राइट साइड का एक्सेल है, आप देख पा रहे होंगे कैसे जो सीवी बूट फट गया है और वहाँ से ग्रीस बाहर आनी स्टार्ट हो गई है। तो स्टार्टिंग फेज था जो जल्दी पता चल गया, नहीं तो ये अगर सूखा चल जाता तो हमारा एक्सेल ख़राब हो जाता है। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप, यहाँ से फट गया है और ग्रीस भी आने लगी है। अब आपको दूसरी तरफ का दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर ये राइट लेफ्ट साइड का है और ये बिल्कुल ठीक है, एकदम इस तरह का होना चाहिए बूट। बूट जब फट जाता है तो वहाँ से डस्ट जाने से वो ख़राब हो जाता है एक्सेल, इसलिए बूट पहले ही पहचान जाए कि बूट ख़राब हो गया है। बूट को रिप्लेस करने के लिए हमें पहले जो नट होता है इसे खोलना होता है। 9-10 साल से ये कभी भी एक्सेल चेंज नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा सा जाम हो गया। इसको खोलने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें हटानी होंगी और यहाँ पे हमें WD-40 या फिर रस्ट रिमूवर डालना होगा जिससे कि हमारा जो एक्सेल है इजीली बाहर आ पाए। ये देखिए हमने एक्सेल को बाहर निकाल लिया है और नीचे एक पैन लगा दिया है जिससे कि जो भी ट्रांसमिशन का ऑयल है अगर वो गिरता है तो उसको बचाया जा सके, दोबारा से रिफिल कर सके। अभी हम एक्सेल को निकाल लेते हैं। ये देखिए पूरा एक्सेल निकल गया है। एक्सेल के दो पार्ट होते हैं, ये वाला आउटर पार्ट है, एक इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट का ही सीवी बूट फटा हुआ है, इसको अब हम रिप्लेस करेंगे। उससे पहले हमें इसको ओपन करना होगा, इसके जो पिंस होते हैं क्लिप्स, ये देखिए क्लिप्स को हटाया जा रहा है। उसके बाद इस बूट को हम हटा के चेक करेंगे कि अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि सीवी जॉइंट्स जो होते हैं वो एक बैरिंग ही होता है, फ्लेक्सिबल बैरिंग, जिसकी मदद से कार के जो पहिया होता है व्हील उसको मदद मिलती है चलने में। इंजन की पावर सारी इसी सीवी जॉइंट से होके टायर तक जाता है। अब हम इसको अलग करने वाले हैं, इस सीवी जॉइंट को जो ड्राइव शाफ्ट की जो रोड है उससे अलग कर देंगे। अभी देखिए हथौड़े की मदद से हम इसको एक झटके में अलग कर देंगे। सबसे इजी प्रोसेस इसका यही है। अब हम इसको साफ करेंगे, इसके अंदर जितने भी बोल हैं उसको सब निकालने के बाद इसको पूरा प्रॉपर साफ करेंगे। उसके बाद दोबारा से इसके अंदर ग्रीस वगैरह डालने के बाद इसको दोबारा से पैक करेंगे। ये देखिए एक एक करके सारी जो बोल्स हैं ये निकलती जा रही हैं, सारी बोल निकल गई। उसके बाद ये जॉइंट्स भी बाहर आ गया, अब इसको साफ करने वाले हैं। ये देखिए हमने पूरा कपड़े से साफ कर दिया है, वो बोल्स रखी हैं उसको भी हम साफ करने के बाद अब लगाने वाले हैं एक एक करके। छह बोल होती हैं इसके अंदर
अभी सबसे पहले एक बोल लगाएंगे इसी तर कर करके, सारी छः की छः बोल लगाने के बाद इसको हम प्रॉपर फिट कर देंगे। जो आप देख पा रहे होंगे ये बोल होती हैं इस तरह की, इसको भी काफ़ी साफ़ कर दिया है, बोल एकदम ठीक है, इतनी जल्दी ख़राब होती नहीं है, सारी बोल साफ़ हो गई हैं। अब आप देखिए, ये देखिए एक बोल डाल दी है, इसको प्रॉपर फिट कर लिया हमने। इसी तरह से सारी जो बोल्स हैं एक एक करके सारी बोल्स फिट कर लेंगे। एक फिट हो गई है, अब दूसरी बोल की बारी आने वाली है। ये देखिए अपनी जगह पे आ गई है, अभी सेकंड जो बोल है उसको डाला जा रहा है और प्रॉपरली अलाइन करने के बाद एक एक बोल, ये देखिए अब ये चार बोल हमने फिट कर लिए हैं, दो बोल बची हैं। उसके बाद इसके अंदर हम ग्रीसिंग करेंगे। इसकी जो ग्रीस होती है वो भी एक अलग तरह की ग्रीस यूज़ की जाती है, नॉर्मल ग्रीस यूज़ करेंगे तो इसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इसके लिए हाई लिथियम ग्रीस यूज होती है जो हाई टेम्परेचर पर काम करती है और जल्दी से मेल्ट नहीं होती, और जो लिथियम ग्रीस की क्वालिटी ये है कि वो टच होकर चलती है पार्ट से, फ्रिक्शन बहुत ही कम होती है और हाई टेम्परेचर पर भी काम करती है। अब देखिए यहाँ पर ये सी वी जॉइंट लगने वाला है, इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर देंगे। ग्रीसिंग करने के बाद इसको हम सी वी जॉइंट में लगाएंगे। ये नया बूट हमारा जो फट गया था उसकी जगह हमने नया बूट लगा दिया है। देखिए कैस्ट्रोल का स्पेशल EPL2 ग्रीस होती है, बाल बैरिंग में यूज़ होने वाली। अच्छी ग्रीस यूज़ करेंगे तो इसकी जो लाइफ होगी काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर हम ये वाला काम कर लेते हैं तो आपको ना एक्सेल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले ही पहचान जाते हैं कि आपकी बूट कट गया है तो आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। अदरवाइज़ आपको सी वी जॉइंट भी मिल जाता है, उसका अलग प्राइस है, सारे काम हो जाते हैं। तो मेरे केस में तो सिर्फ मुझे सिर्फ बूट चेंज कराना था और दोबारा से रिफिल करवा ली है ग्रीस, अभी मेरा एकदम नया हो जाएगा। अभी देखिए इसको फिट करने का तरीका, जिधर से हमने बूट लगाया था उसको हम रोड को यहाँ पे लगा देंगे। ये जो हमने साफ़ किया था उसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे और ये अपनी प्रॉपर जगह पे बैठ जाएगा। इसको चेक करने का भी तरीका होता है, हल्का सा हैमर से चेक कर रहे हैं कि कहीं निकल तो नहीं रहा है, ये प्रॉपर फिट हो चुका है। इसमें थोड़ी और लिथियम ग्रीस डालने वाले हैं जिससे कि ये प्रॉपरली फिट हो जाए और कहीं पे भी सूखा ना चले और फ्रिक्शन की वजह से इसको वेयर एंड टेयर ना हो। हमने बूट प्रॉपर बैठा लिया है जो एक्स्ट्रा ग्रीस हटाने के बाद, अब यहाँ पे हम क्लिप लगाएंगे। इसमें क्लिप लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, इनके पास जेन्युइन क्लिप भी रहती हैं, कई लोग इसको प्लास्टिक टाई से बांध देते हैं, टाई बेल्ट से, वो तरीका ठीक नहीं होता है। इसके जो प्रॉपर क्लैंप्स आती हैं, क्लिप्स होती हैं, ये यही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड में रोटेट करता है ये एक्सेल, उससे क्या है उसका वो प्लास्टिक क्लैंप जो होती हैं, क्लिप्स होती हैं, ये टाई वाली जो आती हैं प्लास्टिक की, वो टूटने का डर रहता है और उससे नुकसान होता है। जो प्रॉपर तरीका होता है हमें वही यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे छोटी क्लिप भी लगा रहे हैं इसका, इसको प्रॉपर जैसे कंपनी फिटेड एक्सेल आता है उसी तरह का हो गया हमारा। एक्सपर्ट से काम कराने का ही बेनिफिट रहता है, अगर किसी और मैकेनिक से कराएंगे या जिसको एक्सेल की नॉलेज नहीं है तो वो यहाँ पे प्लास्टिक की टाई लगा देगा। यहाँ देखिए आप प्रॉपर इन्होंने जो इसकी क्लिप्स आती हैं, इनके पास ओरिजिनल क्लिप्स हैं, वो लगा रहे हैं। अब जो इनर पार्ट होता है जो हमारा ट्रांसमिशन की तरफ होता है, उस जॉइंट को ये दोबारा से रिफिल कर रहे हैं ग्रीस से और इसको फिट कर देंगे। इसमें थोड़ा सा और ग्रीस लगाएंगे, ये यहाँ वाला बूट प्रॉपर था तो इसको चेंज नहीं किया है, क्योंकि जो ओरिजिनल बूट होता है उसकी अलग ही बात होती है। अभी देखिए इसको चेक किया इन्होंने और अब इसमें और ग्रीस डालेंगे जिससे कि बहुत बेनिफिट रहेगा। ये देखिए इन्होंने अब ग्रीस लगा के इसको दोबारा से पैक कर रहे हैं। तो इनर और आउटर दोनों तरफ का जो बूट है इन्होंने प्रॉपर ठीक कर दिया है, अब इसको भी पैक करने वाले हैं जैसे नीचे वाला पैक किया था इन्होंने। इसको साफ़ करने के बाद यहाँ पे भी क्लिप लगा देंगे ओरिजिनल जो भी
एक्सेल के लिए रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हमारा एक्सेल तैयार हो जाएगा दोबारा से। इसको आप रीबिल्ड भी कह सकते हैं, वैसे रीबिल्ड नहीं किया गया है। रीबिल्ड करते हैं तो उसमें पार्ट्स भी चेंज किए जाते हैं। इसमें सिर्फ बूट के अलावा कोई भी पार्ट चेंज नहीं किया है, बस इसके अंदर ग्रीस ऐड की गई है, जो देसी भाषा में मैकेनिक बोलते हैं कि माल भरवा देंगे इसके अंदर। वो एक्चुअली माल नहीं होता है, महंगे वाली लिथियम ग्रीस होती है, इसी को रिफिल किया जाता है जिससे कि इसकी लाइफ अच्छी बनी रहे। अब फाइनल प्रोसेस पे है हमारा काम। जैसे हमने इसको निकाला था उसी तरह से अब हम इसको फिट कर देंगे और हमारे जो एक्सेल है, इसको सीवी एक्सेल भी कहते हैं और हाफ ड्राइव शाफ्ट भी कहा जाता है क्योंकि दो पार्ट्स में होती है, लेफ्ट और राइट। तो ये हमारा देखिए नया बूट लग गया है, अभी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे एकदम नया एक्सेल काम करता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लें ताकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें।